नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी यात्रा में प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर की यात्रा करने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं घर से थोड़ी देरी से निकला, लेकिन मुझे अपनी सबसे पसंदीदा बस हरियाणा रोडवेज पर पूरा विश्वास था कि वह मुझे समय पर पहुँचा देगी, लेकिन मैं 10 मिनट लेट हो गया। असल में यह बस की गलती नहीं थी, असल में मैं ही ज़्यादा लेट निकला था, जिसके कारण मेरी ट्रेन 10 मिनट लेट होने के कारण मिस हो गई। लेकिन अब मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ और अन्य ट्रेनें देखूँगा जो सहारनपुर की ओर जा रही हैं। रेलवे स्टेशन जाकर पता लगा कि सहारनपुर की ओर जाने वाली अगली ट्रेन 1.5 या 2 घंटे में आएगी। मैंने सोचा क्यों ना सहारनपुर के लिए बस ही ले ली जाए, क्योंकि यहाँ से सहारनपुर 90 या 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन रेलवे की अनाउंसमेंट ने मुझे रेलवे के प्रति अपना प्यार याद दिला दिया और मैंने ट्रेन का इंतजार करना जायज़ समझा, और मैं ट्रेन की यात्रा का लुत्फ उठाते हुए 1-1.5 घंटे के अंदर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय मैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। जब मैंने स्थानीय लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से आपको एक ई रिक्शा लेना पड़ेगा, जो कि आपको बस स्टैंड तक छोड़ेगा और वहाँ से माँ शाकुंभरी देवी की ओर जाने वाली बस आसानी से मिल जाएगी। मैं ई रिक्शा से सहारनपुर शहर को चारों तरफ से देख ही रहा था कि मेरे मन में ख्याल आया कि एक मेरा कॉलेज का साथी सहारनपुर में ही रहता है, क्यों ना आज उससे मुलाकात की जाए। लेकिन जब मैंने उसको फोन मिलाया तो पता लगा वह अपने मामा के घर सहारनपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर पहुंचा हुआ है, जिसके कारण वह मेरे से मिल नहीं सकता। मैंने फिर बस स्टैंड से बस ली और अपने शानदार सफर की शुरुआत की। मैंने वहां के स्थानीय लोगों से भी काफ़ी बातें करी तथा मैं सहारनपुर को देखते हुए जल्द ही तहसील बेहट पहुँच गया, जहाँ मुझे पता लगा कि यह बस लगभग 15 या 20 मिनट रुकती है और यहाँ से मेरा सफ़र लगभग 1 घंटे का ही रह जाएगा। वहाँ पर बस रुकी, आप देख सकते हैं मैं सहारनपुर को देख रहा हूँ। इस समय चारों तरफ गांव कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका मैं प्रयास कर ही रहा था कि मुझे सफ़र का पता नहीं लगा और मेरे को बस ने उतार दिया और मैं मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुँच गया और मैं माँ शाकुंभरी देवी मंदिर की ओर जाने लगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे पता लगा कि मुझे पहले माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर में नहीं जाना है, उससे पहले ही एक मंदिर मौजूद है जिस मंदिर का नाम है बाबा भूरा देव जी। मुझे पहले उस मंदिर में जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं, उसके बाद ही मेरा प्रसाद माँ शाकुंभरी देवी मंदिर में लगेगा, ऐसा मुझे स्थानीय लोगों ने एक रोचक बात बताई यहाँ की। तो उसको मैं देखते हुए बाबा भूरा देव जी के मंदिर में चला गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे बाबा भूरा देव जी के मंदिर में जा रहा हूँ। मैंने इस मंदिर के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। मैंने ये देखा कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। बाद में मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर रविवार के दिन काफ़ी बड़ी संख्या में सहारनपुर तथा आसपास के जिलों से और पूरे भारत से काफ़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। उसका सबूत यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में बसें और गाड़ियाँ मौजूद हैं और लोग तो आपको दिख ही रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय मैं प्रवेश द्वार पर पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कितनी प्रकार की दुकानें हैं, काफ़ी प्रकार की दुकानें बाहर लगी हुई हैं। आइए हम इस मेले को समझने का प्रयास करते हैं। मैं मेले के आगे धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, मुझे यहाँ पर कुछ पथरीली ज़मीन दिख रही थी। मैं इसका पता लगाऊंगा कुछ देर में। पहले एक भैया जी हैं जो काफ़ी प्यार से लंगर खिला रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले आप लंगर खा लो। आप देख सकते हैं कितने प्यार पूर्वक यह लंगर खिला रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस प्रसाद को अगर यह इतने प्यार से खिला रहे हैं तो खा ही लिया जाए। मैं और आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक परिवार के संगठन को देखा, एक परिवार
किस तरह से आप देख सकते हैं कि ताऊ जी देसी अंदाज में पूड़ियां बना रहे हैं और एक परिवार की तरह देख सकते हैं माताएं आटा गूंद रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा, एक मतलब शांति है जिंदगी में और कितने प्यार से सभी बैठकर खा रहे हैं। जगह जगह पर यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी जो कि दिल को बहुत सुकून देती है कि किस तरह से लोग परिवार के एक संगठन में इंजॉय करते हैं धार्मिक स्थल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था कि पथरीली जमीन क्यों है, पत्थर क्यों है, तो मुझे एक भैया जी ने बताया कि यहाँ पर असल में एक नदी है छोटी सी जिसमें इस समय पानी ना के बराबर है, लेकिन बारिश के समय यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पानी भर जाता है जिसके कारण आप बारिश में नदी के उस पार नहीं जा सकते, यानी आप बारिश के मौसम में इस मंदिर में नहीं जा सकते उस पार। यह सब मैं पूछता हुआ देख सकते हैं माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर के काफी नजदीक पहुंच गया हूँ। एक यहाँ मंदिर है, कुछ सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पर मैं बाद में जाऊंगा, उससे पहले मेरे को काफी बिल्डिंगे दिख रही है जिसमें मैं बिल्डिंगों पे क्या लिखा है यह पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर धर्मशाला वगैरह लिखा हुआ है, इससे मेरे को एक बात पता लगी लोग यहाँ पर काफी दूर से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं धर्मशाला में। मुझे इस मंदिर के महत्व के बारे में काफी कुछ पता ही लग रहा था कि मैंने देखा कि मैं मंदिर के काफी नजदीक पहुंच चुका हूँ। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया जो कि भैया जी बहुत प्यार से मेरे को अपनी ओर बुला रहे थे। तो मैंने देखा कि इस समय दोपहर 2 बज चुके हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि लाइन के लिए तो व्यवस्था करी गई है लेकिन 2-3 बज गए हैं इस समय दोपहर के, तो लाइन बड़ी तो है पर इतनी लंबी नहीं है। देख सकते हैं काफी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे मैं भी लाइन में खड़ा हूँ तथा मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर काफी प्रकार के ढोल बजाने वाले लोग, काफी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं जो प्यार पूर्वक हो रही हैं। आप देख सकते हैं काफी और भी दुकानें हैं यहाँ पर, काफी प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, हम माँ शाकुंभरी देवी मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहुंच करके। सहारनपुर में, सहारनपुर की यह मेरी पहली यात्रा है, देख सकते हैं बस मैं मंदिर के बहुत ही पास पहुंच चुका हूँ दोस्तों। पर अंदर मंदिर के कैमरा अलाउड नहीं था जिसका हमने पालन किया। मंदिर के अंदर मैं गया था, काफी अच्छा लगा, माँ शाकुंभरी देवी जी के दर्शन किए, बहुत ही आनंदमय था मेरे लिए ये पल, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा मंदिर था। उस यह सब माँ के दर्शन करते हुए मैं बाहर आया, बाहर मैं दुकानें देख रहा था, उसको समझने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ क्या लोग खाते हैं, क्या फेमस है, किस तरह से समोसा वगैरह बनाया जा रहा है, लोगों को खिलाया जा रहा है। मैंने भी यहाँ पर पकौड़े का आनंद लिया। आप देख सकते हैं इस समय 3 बज गए हैं दोपहर के और सूरज देख सकते हैं आप, दूर से हम देखेंगे माँ शाकुंभरी देवी जी के मंदिर को। मैंने यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ देखी कि लोग किस तरह से नाच रहे थे ढोल नगाड़ों में। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग नाच रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं लोग। बहुत अच्छा लगा यह देखकर, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। आइए हम एक और मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं जिस मंदिर का नाम है मंदिर श्री छिन्नमस्ता देवी। आप देख सकते हैं बाबा जी ढोल बजा रहे हैं। हम धीरे धीरे सीढ़ियों से इस मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और हम इस मंदिर में चलेंगे और यहाँ के भी दर्शन करेंगे। मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, पहाड़ियां भी हैं यहाँ पर। मैंने लोगों से बात करी तो पता लगा कि उत्तराखंड बहुत पास है, यानी उत्तराखंड के बॉर्डर के पास है यह बिल्कुल मंदिर। पहाड़ियां स्टार्ट है, आप देख सकते हैं मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका हूं और मैंने इस मंदिर के भी दर्शन करे और ऊपर से आप देख सकते हैं यहां का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंदमय है, बहुत आनंदमय नजारा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो माँ शाकुंभरी पीठ का महत्व इतिहास में भी कम नहीं है। आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने काफी समय यहाँ पर बिताया था। आचार्य सप्तकेतु विद्या कालांकर की पुस्तक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य में भी इसका उल्लेख है। चंद्रगुप्त के समय में
माँ शाकंभरी पीठ शत्रुघ्न देश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था। माँ शाकंभरी के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सिद्ध पीठ में पहुंचती थी। उस समय शाकंभरी देवी जाने का एकमात्र रास्ता, जिसको वर्तमान में बेहट ही था, यहाँ से आगे का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। श्रद्धालु टोली बनाकर सिद्ध पीठ में जाते थे। पूरे भारत में माँ शाकंभरी देवी का स्थल और प्राचीन सिद्ध पीठ यही है। यहीं पर माँ शाकंभरी देवी का मंदिर चौहानों ने बनवाया था, जो कि माँ शाकंभरी को अपनी कुल देवी मानते हैं। और शक्राय ने भी कुछ दशकों में ब्रह्माणी और रुद्राणी को शाकंभरी कहा जाने लगा। अगर हम और चर्चा करें तो यह तीर्थ स्थल शिवालिक पर्वतमाला के जंगलों में एक बरसाती नदी के किनारे है, जिसका जिक्र मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ। इसका वर्णन स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत आदि पुराणों में भी मिलता है। माँ का यही सिद्धपीठ देवी का नित्र स्थान है। कहा जाता है माता यहाँ स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई थी। जन शत्रुओं के अनुसार जगदम्बा के इस धाम के प्रथम दर्शन एक चरवाहे ने किए थे, जिसकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है। माँ के दर्शन से पूर्व यह माँ के अनन्य भक्त बाबा भूरादेव के दर्शन करने का विधान है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक पहले ही बता चुका हूँ स्थानीय लोगों से बात करके। दोस्तों, हमने यहाँ के इतिहास के बारे में भी काफी चर्चा कर ली है। दोस्तों, काफी शाम हो चुकी है। मैंने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, आसपास से आए हुए हैं, वह भी अपने घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी घर वापसी की तैयारी शुरुआत कर दूं। देख सकते हैं, इसी लक्ष्य के साथ मैं बस पर पहुंच चुका हूं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो, जो कि सहारनपुर के फेमस मंदिर सिद्ध पीठ माँ शाकंभरी देवी पर आधारित थी, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।